हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि चंडीगढ़ सीटी का एग्ज़ाम हो चुका है 16 जुलाई को, और आपका जो ऑब्जेक्शन है वो भी अब लग चुके हैं, उनकी लिए जो डेट है वो भी निकल चुकी है। तो अब रिज़ल्ट आने वाला है, और रिज़ल्ट आने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को अब रिज़ल्ट का वेट है कि क्या रहेगा रिज़ल्ट, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो थोड़ा सा अनुमान हमने बताया था कि कट ऑफ आपकी इतनी रह सकती है, तो उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब अगला स्टेप क्या होगा, रिज़ल्ट आने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा, तो कंडक्टर के लिए और ड्राइवर के लिए, तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो चंडीगढ़ सीटीओ कंडक्टर एंड ड्राइवर के लिए अगला कदम क्या रहने वाला है, तो चलिए बढ़ते हैं इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो नोटिस है, ये वाला जो नोटिस है ये कंडक्टर के लिए है। ये आपका जो नोटिस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कंडक्टर का ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें आपका सिलेक्शन जो क्रिटेरिया था वो क्या था, ऑल द कैंडिडेट शैल बी रिटन टेस्ट होगा। और ये आपका सिलेबस था, जिसके अंदर आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी आई थी, इंग्लिश आया था, जनरल नॉलेज और आपका कंप्यूटर नॉलेज आया था। पार्ट टू में आपका ट्रैफिक रूल पूछा गया था, फर्स्ट एड एंड जनरल बिहेवियर यहाँ पर पूछा गया था, और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया था कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होनी है कंडक्टर वालों की, जो कंडक्टर के लिए फाइनल सिलेक्शन है वो कैसे होगी, द फाइनल सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन द रिटन टेस्ट। आपका जो भी रिटन टेस्ट हुआ उसके अंदर जो मार्क्स आपके आए हैं उसके बेस पे आपकी जो है वो फाइनल सिलेक्शन होगी। इन केस टू और मोर कैंडिडेट सिक्योर द इक्वल मार्क्स, अगर दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट के बराबर मार्क्स आते हैं एट द लास्ट पॉइंट, द कैंडिडेट एल्डर इन एज, जो जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी विल बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन, उसको सिलेक्शन के लिए चुना जाएगा। देर शेयर बी नो पर्सनल इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं है आपके पास। वेटिंग लिस्ट जो है शेल बी प्रोवाइड इन ईच कैटेगरी, आपकी जो है वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर लगाई जाएगी, तो घबराने वाली इसमें बात नहीं है। मान ली किसी कैंडिडेट को अगर डर है थोड़ा सा कि यार मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, तो हो सकता है उसका नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाए। वैसे तो कोशिश ये वैसे तो रहेगा कि उसका नाम एक मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन बाय चांस अगर नहीं आ पाता है तो वेटिंग लिस्ट में उसका नाम रहेगा। तो जिन कैंडिडेट, इसमें आगे कुछ नहीं है, आपको सिर्फ आपका रिजल्ट का वेट करना है। कंडक्टर वालों के लिए बात कर रहा हूँ, कंडक्टर वालों के लिए जो भी आपका रिटर्न टेस्ट आपने किए हैं, और रिटर्न टेस्ट में जो भी आपने मार्क्स सिक्योर करे होंगे उसी के बेस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है, कोई इंटरव्यू नहीं है। दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट के अगर सेम मार्क्स होते हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको यहाँ पर जो है वो बुलाया जाएगा। कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू ब्रिंग द यूजर, तो बाकी इंस्ट्रक्शन थी। तो आपका कंडक्टर के लिए और कोई क्रिटेरिया नहीं है, कंडक्टर के लिए सिर्फ क्रिटेरिया यह है कि आपको अपना रिजल्ट का वेट करना है और कट ऑफ क्लियर आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी लगाएगी, कैटेगरी वाइज आपकी वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर लगाई जाएगी। अब बात करते हैं ड्राइवर की, ड्राइवर का क्रिटेरिया क्या रहेगा। तो सिलेक्शन क्रिटेरिया क्या था ड्राइवर का, तो यहाँ पर बोला गया था कि ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सिलेबस आपका था नॉलेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, बस एंड व्हीकल रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, और बेसिक फर्स्ट एड जो हो गया वो आपका यहाँ पर सिलेबस था। यहाँ पर आगे बोला गया था देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 25% फॉर एससी कैंडिडेट्स एंड अदर के लिए 30% यहाँ पर क्वालिफाइंग रखे गए थे। इस यहाँ पर भी आपको बोला गया कि इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट आर सिक्योर इक्वल मार्क्स इन रिटन टेस्ट मेरिट, द कैंडिडेट एल्डर इन एज शैल बी कंसिडर्ड फॉर द ड्राइविंग टेस्ट, ड्राइविंग स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि जिनका भी मेरिट में जो भी नाम आएगा, जिनका भी मेरिट में नाम आएगा उनका आगे होने वाला है ड्राइविंग स्किल टेस्ट। तो भाई कंडक्टर के लिए कोई और टेस्ट नहीं है, कंडक्टर वालों को सिर्फ अपना मेरिट का वेट करना है, और जो ड्राइवर वाले हैं उनको मेरिट के वेट करने के साथ साथ उनका मेरिट में भी नाम आना चाहिए, और जिनका मेरिट में नाम आएगा उनका ड्राइवर स्किल टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द अबव सेड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द ड्राइविंग स्किल टेस्ट, जो भी कैंडिडेट मेरिट में आएंगे उनको बुलाया जाएगा ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी, जिस ऑर्डर में मेरिट आएगी, मतलब पहले किसी का नाम है, फिर किसका नाम है, फिर किसका नाम है, मान लो पहले अंकुश का नाम है, फिर मुकेश का नाम है, तो पहले अंकुश को बुलाया जाएगा, फिर मुकेश को बुलाया जाएगा, ऐसे ऑर्डर जो होगा मेरिट का उस ऑर्डर में आपको बुलाया जाएगा। ए रिस्पेक्टिव कैटेगरी रेशियो रहेगी 1:10, यानी कि एक सीट पे 10 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। आपका एक सीट रहेगी और उस पर 10 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। टिल द वैकेंसी आर फिल्ड, जब तक वैकेंसी फिल नहीं हो जाती, ध्यान रखिएगा मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आपका जो कैंडिडेट हैं ड्राइवर वाले वो एक सीट पे 10 बुलाए जाएंगे, 1:10 है यहाँ पर, और ये तब तक बुलाते रहेंगे जब तक आपके जो वैकेंसी है वो फिल नहीं हो जाती, और लिस्ट ऑफ एलिजिबल पास कैंडिडेट एग्जॉस्टेड, यानी कि जब तक आपकी लिस्ट पूरी नहीं हो जाती या फिर जब तक आपकी वैकेंसी जो है वो फिल नहीं होती। कुछ कैंडिडेट होंगे जैसे ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए मान लिए कोई गया,
ड्राइवर स्किल टेस्ट के लिए कोई गया और उसका जो है वो ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं हुआ, तो उसके बाद मुकेश को बुलाया गया। मुकेश का ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं हुआ तो फिर रोहन को बुलाया गया। फिर रोहन का ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं हुआ तो फिर कुछ कैंडिडेट को और बुलाया गया। तो इस तरह से ये चलती रहेगी लिस्ट, ये तब तक चलती रहेगी जब तक या तो लिस्ट ख़त्म नहीं हो जाती या फिर आपकी वैकेंसी जो है वो फिल्ड नहीं होती पूरी की पूरी। विच इज़ अर्लियर, इनमें से जो भी पहले होगा, मान लो आपकी वैकेंसी जो है वो फिल हो गई सारी की सारी, नीचे जो नाम रह गए आपकी वैकेंसी यहाँ पर आके फिल हो गई, और नीचे जो नाम रह गए हैं वो आगे फिर उनका नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में जाएगा। कुछ कैंडिडेट छोड़ के चले जाते हैं, कुछ कैंडिडेट किसी कोई और जॉब लग जाती है, तो इसलिए ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट यहाँ पर रहने वाली है, तो इनमें से जो भी पहले होगा या तो वैकेंसी फिल हो जाए या आपकी लिस्ट पहले भर जाए, तो जो भी पहले होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका वैकेंसी जो है फिल हो जाएगी। ड्राइविंग स्किल टेस्ट शैल बी कंडक्ट एट वन ऑफ द गवर्नमेंट, जो आपका ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट होगा वो कहाँ पर होगा, वन ऑफ द गवर्नमेंट अप्रूव्ड या फिर गवर्नमेंट रन सेंटर्स में होगा। कैंडिडेट हैज़ टू अपियर फॉर सच टेस्ट इन ऑन एक्सपेंस, अपने आप आपको वहाँ पहुँचना होगा ठीक है। डंप आपका जो होगा, डग और रैंप टेस्ट होगा, एक ही चांस इसमें दिया जाएगा, ज़्यादा चांसेस आपको नहीं मिलने वाले हैं। रिवर्स ड्राइविंग टेस्ट जिसे आप बोलते हो, डग और रैंप टेस्ट होगा, रिवर्स ड्राइविंग टेस्ट होगा, पीछे आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी रिवर्स गियर में, एक ही चांस दिया जाएगा, एक से ज़्यादा चांस आपको नहीं मिलेंगे। आपको 8 शेप बनाना होगा, 8 शेप ड्राइविंग टेस्ट होगा, ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई द डग एंड रैम्प टेस्ट। बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर आपको बोली गई है, जिनका ये वाला क्लियर होगा डग और रैंप टेस्ट, जिनका रिवर्स क्लियर होगा वही आगे 8 बनाने के लिए आगे क्वालिफाई करेंगे। फिर रोड टेस्ट होगा, ये उनका होगा जो आपका ए और बी दोनों क्वालिफाई करेंगे, तो काफ़ी टफ रहने वाला है यहाँ पर कंपटीशन, क्योंकि पहले बात तो आपको मेरिट में आना है, मेरिट के बाद आपको मेरिट वाइज बुलाया जाएगा। जो मेरिट वाइज बुलाए जाएंगे, चाहे तो पहले आपका मेरिट खत्म हो जाए या पहले कैंडिडेट की लिस्ट खत्म हो जाए, तो जो भी पहले होगा उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी फिल हो जाएगी। दूसरा, कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे, डग और रैंप टेस्ट होने वाला है, एक ही चांस दिया जाएगा, एक से ज़्यादा चांस नहीं दिया जाएगा। जो डग और रैंप टेस्ट को क्लियर करेगा वो 8 शेप बनाने के लिए, 8 जो शेप है वो बनाने के लिए आगे जाएगा। फिर जो 8 शेप को क्लियर करेगा वो आगे रोड टेस्ट में जाएगा, और ध्यान रखेंगे हर एक में एक एक चांस दिया जाएगा, एक से ज़्यादा चांस आपको नहीं दिए जाएंगे, तो काफ़ी टफ होने वाला है यहाँ पर। तो जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स कम भी हैं, कम भी आएंगे, वो कैंडिडेट भी उम्मीद ना छोड़ें, उनका भी यहाँ पर नाम आ सकता है, क्योंकि एक एक चांस दिया जा रहा है, एक से ज़्यादा चांस नहीं है। तो अगर जिसने एक चांस में गलत कर दिया वो बाहर हो जाएगा कैंडिडेट, तो अपने रिस्क पे अपनी प्रैक्टिस से सुजूर रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर बोला गया है द पासिंग ड्राइविंग स्किल टेस्ट इज़ मस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट, आपको ड्राइविंग टेस्ट जो है वो क्लियर करना ज़रूरी है फॉर द अपॉइंटमेंट के लिए, और एनी कैंडिडेट फेलिंग इन ड्राइविंग स्किल टेस्ट, अगर कोई भी कैंडिडेट ड्राइविंग स्किल टेस्ट में फेल हो जाता है, शेल नॉट बी अपॉइंटेड, उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ओनली वन चांस यहाँ पर बोल दिया गया, सिर्फ एक चांस आपको दिया जाएगा टू पास द ड्राइविंग स्किल टेस्ट, कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, वेटिंग लिस्ट आपकी जारी की जाएगी ईच कैटेगरी की। तो भाई ड्राइवर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ड्राइवर में जिस कैंडिडेट के मार्क्स कम भी हैं वो निराश बिल्कुल ना हो भाई, जिसके मार्क्स 60 तक भी हैं ना वो बड़े आराम से क्लियर कर जाएगा। ड्राइवर में वालों को आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, अगर जिसके मार्क्स कम है वो भी अपनी प्रिपरेशन रखें, क्योंकि यहाँ पर जो है ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए सिर्फ एक एक चांस है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी टफ होता है कि एक चांस में कोई बच्चा क्लियर कर जाए ठीक है। जिसकी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस है 8 बनाने की, डैम्प रैम रैम टेस्ट की, तो वो आराम से क्लियर कर जाएगा। तो और साथ ही साथ यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी लगाई जा रही है, तो बहुत बढ़िया चांसेज हैं यहाँ पर क्लियर होने के ठीक है। तो ये आपके अगला स्टेप रहेगा ड्राइवर वालों के लिए, तो अपनी तैयारी ज़रूर रखिए, व्हीकल की प्रैक्टिस करते रहिए ठीक है, व्हीकल रिवर्स करने की, 8 बनाने की, और जो भी इसमें टेस्ट बोला गया है उसमें, और कौन सा टेस्ट है, रोड टेस्ट की, तो कोई भी आपका टेस्ट है उसको सिर्फ आपको एक चांस मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और कंडक्टर वालों को सिर्फ मेरिट का वेट करना है, कंडक्टर की मेरिट थोड़ी हाई जा सकती है क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, सिलेक्शन क्रिटेरिया सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट है, ड्राइवर वालों की जो मेरिट लिस्ट है वो नीचे जा सकती है ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको आपसे शेयर करनी थी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सेशन को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।